स्टार्ट हो गया। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल है? इसमें लाइव कर, ठीक है? तो चलिए, लाइव आ चुके हैं। जरा सा कमेंट सेशन को देख लें। कमेंट सेशन में जरा सा, वाह, बहुत पहले से लोग जुड़ चुके हैं। डब्लू कुमार जी, छपरा नरेश, चंदन कुमार जी, डब्लू कुमार जी, दीपक कुमार जी, चलिए दीपक कुमार जी, मिथिला नरेश, शशिकांत जी, दिव्य ज्योति जी, अभिषेक कुमार जी, मोहित पंडित जी, सभी लोग, नीतीश कुमार पटेल जी, अगेन गुड मॉर्निंग, चंदन कुमार जी गुड मॉर्निंग, चलिए मीरा कुमारी, मिथिलेश कुमार, दिवाकर, सभी लोग जितने भी हैं जल्दी से जुड़े। इरफान अली, शिवान नरेश जी, डब्लू कुमार छपरा नरेश गुड मॉर्निंग, चले जल्दी से। गौतम बुद्ध जी, राहुल कुमार जी, देवनाथ जी, नंदन देव जी, चलिए नंदन देव जी भी जुड़ चुके हैं। गौतम गोविंदा ने लिखा है, दिवाली में जो उजाला करे उसे दीप कहते हैं। गोविंदा गौतम का बहुत अच्छा मैसेज, दिवाली में जो उजाला करे उसे दीप कहते हैं, ज्ञान के साधन में जो ज्ञान भर दे उसे प्रदीप कहते हैं। जय बाबू, आप बहुत अच्छी बात। गौतम कुमार जी बहुत अच्छी बात। सुरेंद्र शाह जी, राधे राधे, सुनील कुमार जी, विक्रांत कुमार जी, संतोष कुमार जी, काजल, अरविंद, गोलू, चलिए निशा पटेल जी भी जुड़ चुके हैं, प्रताप जी, जय भीम बाबू। तो जल्दी से जल्दी लोग जुड़ जाएं, 296 लोग अभी देख देख जुड़ गए हैं। और जुड़ते ही आप लोग क्या करेंगे, फिर भूल जाते हैं, डेली कहना पड़ता है। जय भीम, प्रताप राज जी, अब की बार डबल स्टार जी, अब की बार बेरोजगारी पार, अब की बार बेरोजगारी पार जी, वेलकम बैक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, 325 लोग ही जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। और जुड़ते ही लाइक बटन को दबा देंगे, 338 लोग हैं और लाइक बटन है मात्र 123। तो आइए हम लोग शुरुआत करें केमिकल बॉन्डिंग की, रासायनिक संरचना की शुरुआत करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर चीज है। बॉन्ड को बॉन्डिंग भी कहेंगे, कहते ना ये बॉन्ड है, इतने बॉन्ड है, इतने बॉन्ड में हम लोग करने वाले हैं। राकेश कुमार जी, आज 13 अप्रैल के पावन अवसर पर आपका स्वागत है, आपको भी स्वागत है। राकेश कुमार जी दिल्ली से देख रहे हैं, कल बाबू दिल्ली में भूकंप आया था, आपके माध्यम से हमको पता चला कि सर जी दिल्ली में भूकंप आया हुआ है। तो दिल्ली में भूकंप आया तो था, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि भूकंप का इंटेंसिटी उतना तगड़ा नहीं था कि हम लोग के विश्वास को कमजोर कर पाता। हम लोग अभी, प्रियंका जी ध्यान से सुनिएगा, संजू, तो भूकंप आया था, तो भूकंप से 3 क्वेश्चन तो आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर जी कि केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते आप ज्योग्राफी कैसे गए, यही तो अपना आधा है, यही तो अपना अंदाज है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट, जो सामने दिख रहा है भूकंप, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिक। अब क्वेश्चन पूछेगा, भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति क्रस्ट के अंदर जिस स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं, फोकस, उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल या फोकस। लेकिन भूकंपीय तरंग अर्थ के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर जहां पर सबसे पहले पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, ईपी सेंटर। और भूकंपीय तरंग को मापने के लिए क्या किसका यूज किया गया, तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन पूछा है भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी,
भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, स्थलीय भूकंप को तो भूकंप कहते हैं लेकिन सागरीय भूकंप को सुनामी कहते हैं, जो जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आती हुई समुद्री लहरें, तट पर आती हुई समुद्री लहरें। और आप लोग भी अंकित यादव जी सर बायोलॉजी का भी क्लास ले लीजिएगा, सेल डिवीजन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, कल अंबेडकर जयंती है, सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र में आता है। रामानुज जी सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है, तो रामानुज जी का क्वेश्चन है प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन, क्वेश्चन आएगा प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर में क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी का बेल्ट है, विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाया जाता है, अतः प्रशांत महासागरीय इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, परी प्रशांत मेखला या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, और रिंग ऑफ फायर के कारण ही वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, पूरे विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर के चारों ओर के क्षेत्र में आता है। विपिन बिहारी जी बिल्कुल सही है, विपिन बिहारी जी हिस्ट्री वाले क्लास में लगातार एक क्वेश्चन भेज रहे थे, विपिन बिहारी जी आपसे ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं कि लाइव क्लास में आप इस तरह से मैसेज करेंगे, हमको बुरा लग रहा था कि विपिन बिहारी जी इतने सेंसेटिव स्टूडेंट हैं और इस तरह से मैसेज भेज रहे हैं कि सर हम कचरा फेंकने चले गए थे तो एक बार नहीं सुन पाए, तो अच्छी बात नहीं है, क्वेश्चन करेंगे, आपके कमेंट को पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन देंगे तभी हम उसको पढ़ पाएंगे। अग्निबले गौतम गंभीर, गौतम गंभीर ने गौतम गोविंदा रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर, क्लियर हो गया। अब आइए केमिस्ट्री में आ जाए, तो जितने भी 553 लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री में, अब क्यों देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में भी 559 लोग, 577 लोग, लगभग 600 लोग देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, और हम भी लगे हुए हैं 25 मार्च से ही, क्यों लगे हुए, किसके कारण लगे, ध्यान से सुनिएगा। केमिकल बॉन्डिंग में यदि जो अभी हम बता रहे हैं वो समझ जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग क्लियर हो जाएगा। यह इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि हम दोनों के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक बंधन बन चुका है, भले ही ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, तो वो जो बंधन है तो बंधन क्यों है, तो आपसे मुझको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और आपको मुझसे क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आपने भी कुछ अर्जन करने के लिए मुझसे जुड़े और मैं भी कुछ अर्जन के लिए, रिजल्ट अर्जन के लिए, अपने नाम के लिए आपसे जुड़े, तो यह जो जुड़ाव है यह क्या है, बंधन है, बॉन्ड है। इसी बंधन के कारण YouTube चैनल पर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देते आ रहे हैं 25 मार्च से, और हमने आपको यह भी कहा कि इसी बंधन के कारण जब तक क्लास सुचारू रूप से संचालित नहीं होती है, लॉकडाउन होने के बावजूद भी जब तक सरकार का आदेश रहता है कि क्लास जब तक स्टार्ट करने का फरमान नहीं जारी होता है, तब तक मैं यूट्यूब चैनल पे कम से कम 3 बैच आपको फ्री देता रहूंगा, 3 बैच जो सुबह में दे रहे हैं वह फ्री देता रहूंगा, यही है बंधन का प्रभाव। तो रासायनिक रसायन में केमिस्ट्री में कहा जाता है कि को किसी भी अणु में परमाणु को, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम को बांध कर रखने के लिए आकर्षण बल काम करता है, उसी आकर्षण बल को बंधन, केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है, रासायनिक बंधन कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक बंधन क्यों होता है, तो कोई भी तत्व अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, हमने कहा था अक्रिय गैस में, ध्यान से सुनिएगा, अक्रिय गैस में क्या बताए थे कि वैसा गैस जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस कोई नोबुल गैस या अक्रियाशील गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। अब यहीं से हमने कहा था पिछले क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में, जो लोग नहीं पढ़े होंगे देख लेंगे, 2 क्लास दिया
दिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। उसमें बताए थे कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होगा तो वह लूज करने की प्रवृत्ति रखता है और 1, 2, 3 सामान्यतः धातु का होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो धनायन बना लेगा। धनायन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं केटायन। धनायन को क्या कहते हैं? केटायन। जबकि अधातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 रहता है। तो जैसे 5, 6, 7 है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, तो इनर्ट गैस की वैलेंसी प्राप्त करने के लिए करेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर रिनायन आवेश आ जाता है, रिनायन बन जाता है, रिनायन को कहते हैं एनायन। अब यहां पर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, केमिकल बॉन्डिंग के लिए हमने अभी कहा था कि कोई भी परमाणु अपने, कोई भी तत्व तो अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की वैलेंसी प्राप्त करना चाहता है। निकटवर्ती अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस, अक्रिय गैस को क्या कहते हैं? इनर्ट गैस या नोबल गैस या अक्रियाशील गैस। या अक्रिय गैस, अक्रिय को ही क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस। इसकी वैलेंसी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हीलियम का 2 और सबका 8-8 होता है, वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। जैसे वैलेंसी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेती है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर कैसा आवेश बन जाएगा? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ऋण आवेश। और इलेक्ट्रॉन पे जहां साझेदारी होती है वहां चार्ज हो जाता है प्लस माइनस। अब ध्यान से सुनिएगा, यह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी ही केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर आयन बना, जब ये इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो परमाणु किसमें बदलेगा? परमाणु आयन में बदलता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, आयन कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। पहला धनायन, पहला क्या होगा? धनायन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं केटायन। और दूसरा क्या होगा? रिनायन। रिनायन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनायन। ध्यान से सुनिएगा, धनायन और एनायन। अब क्वेश्चन पूछेगा, धनायन और एनायन से क्वेश्चन बना कि धनायन और एनायन कब होगा? तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यदि ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में, ऑक्सीजन का कितना? 11। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज कर देगा। तो जैसे लूज बना, जैसे त्यागा, जैसे ही विस्थापित कर दिया तो उस पर कैसा आवेश बन जाएगा? प्लस आवेश। यदि हम देखें कैल्शियम ले लें तो कैल्शियम 20, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना भाई? 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा जिस पर प्लस प्लस आवेश बन जाएगा। यदि एल्युमिनियम को ले लें, एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तो प्लस 3 इस पर, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यहां 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर उतना आवेश बन जाएगा। क्लियर हुआ? यदि हम रिनायन लें, एनायन लें, तो रिनायन में क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा, यदि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना भाई? 6 है। ऑक्सीजन का 8 परमाणु संख्या, बाह्यतम कक्षा में
इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह क्या किया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इस पर 2 को इलेक्ट्रॉन आ गए है, इस पर 2 आवेश बना। यदि नाइट्रोजन ले लेते हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 7, 7, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, तो जैसे 5 होगा तो 3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो प्लस 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 9 होके क्या होगा, प्लस 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 9 होके, चूंकि 3 को इलेक्ट्रॉन आया है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, क्लियर हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर माइनस आवेश आएगा, वह ऋणायन या एनायन कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट न करके लूज करेगा उस पर धनायन आ जाएगा, धनायन को अंग्रेजी में कहते हैं केटायन, क्लियर। अब क्वेश्चन हम लोग यदि क्वेश्चन ले ले, ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन ध्रुव में जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, बैटरी में जाते हैं, तो बैटरी में 2 पोल होता है, 2 इलेक्ट्रोलाइट होता है, बैटरी में 2 पोल या 2 इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा 2 पोल में वह पोल जो धन ध्रुव के रूप में काम करता है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, धन ध्रुव वाले को एनोड कहते हैं और ऋण ध्रुव वाले पोल को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अंतर आया, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम लोग बैटरी में चले, बैटरी में धन ध्रुव और दूसरा कौन, ऋण ध्रुव, धन ध्रुव को क्या कहते हैं, एनोड कहा जाता है, और ऋण ध्रुव को क्या कहते हैं, कैथोड कहा जाता है। समझ में आए, यही आपको कंफ्यूजन आता है, ध्रुव में धन ध्रुव एनोड, ऋण ध्रुव कैथोड, लेकिन आयन में चलेंगे, आयन में चलेंगे, आयन भी 2 प्रकार का, धनायन और ऋणायन, धनायन को केटायन कहा जाता है और ऋणायन को एनायन कहा जाता है, क्लियर हो गया। आप सर विश्वास करते हैं यह बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को साझेदारी कर सकता है। अब क्वेश्चन पूछेगा बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार का, रासायनिक बंधन कितने प्रकार का, तो रासायनिक बंधन 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का बाबू, 3 प्रकार का। पहला होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, पहला क्या होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंधन, इसे ही कहते हैं आयनिक बंधन, आयोनिक बॉन्ड, क्लियर हुआ, पहला क्या हुआ ये, दूसरा चले, दूसरा होता है सह संयोजी बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बंधन, और तीसरा होता है उप सह संयोजी बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्वेश्चन बना पहला बताए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, पहले समझ लीजिएगा तब आगे चर्चा करेंगे।
समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब पहला हुआ, निशा पटेल जी ध्यान से सुनिएगा, पहला हुआ इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंधन। इलेक्ट्रिक में क्या देखते हैं, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, ठीक वही तरह से उसी तरह से आयन बन, आयन में क्या कहते हैं, एक पर धनायन है एक पर ऋणायन है। धनायन किसे कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ऋणायन किसे कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। धनायन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केतायन, और ऋणायन को क्या कहते हैं, एनायन। अब यहां पर क्वेश्चन बना, ध्यान सुनिएगा। अब देखो, अब आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अपने में वार्तालाप नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आप लोग अपने में वार्तालाप करेंगे तो फिर हमको प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या करेंगे, तो आपके चैट को हम बंद कर देंगे। आपके चैट को जैसे बंद करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं हमको कुछ नहीं पता चलेगा। राजेंद्र बाबू गौर से सुनिएगा, इंस्पेक्टर शशि जी लूज और गेन, बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनिएगा। अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हमने देख रहा है यहाँ पर डेस्कटॉप पर 750 लोग देख रहे हैं और 607 लोग ही लाइक किए हैं। हिडन बाबू ध्यान से सुनिएगा, तो जो लोग अभी तक लाइक किए नहीं किए हैं वो लाइक बटन को कर देंगे। जी अतुल कुमार सिंह जी लाइक कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मौर्या जी भी लाइक कर दिए। तो ये लोग, ये कहना पड़ता है बार बार, हमको बुरा लगता है कि हमारा गुरुत्वाकर्षण में आने वाले लोग एक बार, जिस तरह से क्या कहते हैं अंग्रेज जो क्लास में कहे थे कि किस तरह से हम लोग एक बार इशारा करते हैं और इशारा इशारा में बात बन जाती है, या इशारा में बात क्यों बनी, क्योंकि हम और आप एक दूसरे से बॉन्ड में बंधे हुए हैं। तो आइए, पहला इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड में क्या कहे, इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण बॉन्ड बना। दूसरा बॉन्ड बना सह संयोजी, सह मतलब दोनों का अधिकार है, सह मतलब दोनों का अधिकार। तो जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे ही सह संयोजी बंधन कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंधन को दो प्रकार में, दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया पोलर, पहला हो गया पोलर और दूसरा हो गया नॉन पोलर, मतलब ध्रुवीय बंधन, और दूसरा क्या हुआ अध्रुवीय बंधन। ध्यान से सुनिएगा, जब अलग अलग परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा, जब अलग अलग के बीच होगा साझेदारी तो उसे पोलर कहेंगे, अलग अलग के बीच होगा तो पोलर कहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं HCl, दिमाग पर जोर देंगे। अब एच के पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक है, अब क्लोरीन को एक चाहिए, तो हाइड्रोजन को एक चाहिए हीलियम बनने के लिए, क्लोरीन को एक चाहिए आर्गन बनने के लिए। तो यदि हाइड्रोजन एक क्लोरीन को दे देता है तो क्लोरीन तो औक्त पूरा कर लिया, क्लोरीन तो आर्गन की वैलेंसी प्राप्त कर लिया, लेकिन हाइड्रोजन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि एच क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे देता है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन तो हीलियम में बदल जाएगा, लेकिन क्लोरीन मुंह देखते रह जाएगा कि हमने क्या किया। इसके लिए यहां पर क्या किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा। हाइड्रोजन कहेगा लो हम भी एगो रखते हैं और तुम भी एगो रखो। तो इस प्रकार अलग अलग परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है उसे क्या कहेंगे, पोलर। अब यहां पर चलें, क्लियर हो गया, हम लोग कहेंगे CH4 सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन, सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन CH4 जिसे मीथेन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे साधारण शर्करा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ग्लूकोज है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन क्या है, तो मीथेन है। अब मीथेन में कार्बन एक है, चार गो हाइड्रोजन है, इसमें देखेंगे क्या चीज, तो कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेता है। तो जब अलग अलग परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो कैसा बंधन बना, पोलर। लेकिन इसमें चले तो अध्रुवीय में चले, समान परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है
उसे क्या कहते हैं नॉन पोलर, इसे क्या कहते हैं नॉन पोलर। ध्यान से सुनिएगा, समान के बीच जैसे हम लोग O2 लिखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या करते हैं ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, 2 2 4 2 6, इसका भी कितना है 2 2 4 2 6, तो दो जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया, इसकी साझेदारी कर लिया दो जोड़े इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन के बीच जो साझेदारी हुआ उसे नॉन पोलर या अध्रुवीय कहते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो साझेदारी हुआ उसे क्या कहेंगे, जल्दी बताओ क्या कहेंगे, नॉन पोलर या अध्रुवीय कहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन बन जाए H2O, अब आप लोग बताएंगे H2O में कैसा बॉन्ड, H2O में कैसा बॉन्ड, पोलर या नॉन पोलर, जल्दी से बताओ पोलर या नॉन पोलर। अंशुमान ठाकुर जी, अभी तक आपका इंस्पेक्टर शशि, इसका हमको उत्तर बताइए पोलर या नॉन पोलर H2O। वेरी गुड, यहां पर देखें, यहां पर बहुत लोग नॉन पोलर भी मार रहे हैं, बहुत लोग नॉन पोलर मार रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, नॉन पोलर में अभी बताए थे नॉन पोलर में क्या बनता है, तो नॉन पोलर अलग अलग के बीच नहीं, नॉन पोलर सेम सेम के बीच। आप पोलर किसके किसके बीच, तो पोलर अलग अलग परमाणु के बीच, तो यहां पर बनेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि यहां पर देखें अलग अलग परमाणु के बीच साझेदारी हो रहा है, तो जब अलग अलग परमाणु के बीच बने तो क्या हो जाएगा पोलर बन जाएगा। क्लियर हो गया। अलग अलग, त्रिगुण कुमार जी जिन्होंने नॉन पोलर लिखा है बिल्कुल गलत है, गौतम गंभीर जी, चलिए राम बाबू जी भी, अनिल कुमार जी, जितने पोलर मारे हैं सब लोग सही है। अब यहां पर देखे ध्यान से सुनिएगा, पोलर वाले बिल्कुल सही, नॉन पोलर वाले बिल्कुल गलत है। यदि क्वेश्चन पूछ दे C6H12O6, C6H12O6, इसे क्या कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं, इसमें कौन सा बॉन्ड बना, जल्दी से बताएंगे कौन सा बॉन्ड बना इसमें, इसमें क्या कहेंगे अलग अलग परमाणु है तो नॉन पोलर बन जाएगा। हम लोग कहते हैं C6H6, C6H6 कैसा बॉन्ड बना, जल्दी बताओ। यदि इसमें पोलर हो जाएगा, इसमें पोलर अलग अलग के बीच बन रहा है तो अलग अलग के बीच बनेगा तो पोलर बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि O2 हो, Cl2 हो, N2 हो, तो जब समान के बीच होगा तो उसे ही नॉन पोलर कहेंगे। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, समान के बीच होगा पोलर, सॉरी अलग अलग के बीच होगा पोलर और समान के बीच होगा नॉन पोलर। याद रखेंगे समान एक ही परमाणु, एक समान परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ अध्रुवीय नॉन पोलर, और जब अलग अलग परमाणु के बीच हुआ उसे क्या कहेंगे पोलर या ध्रुवीय। क्लियर हो गया। चलिए अब देखो भाई, तीसरा बॉन्ड बताए थे उपसहसंयोजी बंधन। उपसहसंयोजी बंधन में क्या होता है, एक तरफ साझेदारी किया और एक तरफ लूज कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, साझेदारी हो रहा है, दोस्ती हो रहा है लेकिन एक तरफा हो रहा है, दोस्ती हो रहा है लेकिन दोस्ती कैसा, केवल एक तरफा हो रहा है। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि प्यार जब दू तरफा होता है तो मजा देता है, और एक तरफा होता है तो सजा देता है। क्लियर। अब यहां पर देखें एग्जाम्पल के रूप में, एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहते हैं अमोनियम क्लोराइड CH4Cl। अब यहां पर इस पर अमोनिया पर प्लस आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लूज कर दिया है क्लोरीन को। अमोनिया कहते हैं NH3, अमोनिया क्या हो NH3 हुआ, अब NH4 कर दिए तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था, एक दे दिया क्लोरीन के पास, क्लोरीन पर माइनस आया। ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एरो के द्वारा दर्शाया जाता है, एरो का यह होता है हेड, यह होता है टेल, जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया है उसके पास टेल आएगा, जहां इलेक्ट्रॉन आया उसे वहां हेड आएगा। क्लियर हो गया। गुरुजी मेरा प्यार भी
एक तरफा है। चलिए मौर्या जी, तो बाबू सजा तो आएगा, जिसके पास दो तरफा होगा उसको मजा होता। हम दोनों का प्यार, हमें और अभी 815 के बीच का जो प्यार है, यह दो तरफा प्यार है, तो मजा आ रहा है। आपका भी बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है विपिन बिहारी जी, और मुझे भी आनंद आ रहा है। इस लॉकडाउन में भी समय आसानी से कट रहा है, नहीं यदि क्लास लेते तो समय काटना मुश्किल रहता। कितना लोग परिवार में रहेगा, कितना परिवार के सदस्य वार्तालाप करेगा। हालांकि टीचर के फैमिली, फैमिली समझ रहे हैं आप लोग, फैमिली को सबसे ज्यादा ताना देना पड़ता, ताना टीचर को सुनना पड़ता है अपनी पत्नी से कि टाइम ही नहीं है। सबके लिए टाइम है, दुनिया के लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन इस लॉकडाउन में वो लोग काफी खुश है कि कम से कम साथ में रहे, यहाँ भी ऑनलाइन क्लास रहे, तो भी खुश है कि कम से कम अपार्टमेंट में ही है, फ्लैट में ही है। चलिए अच्छी बात है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, तीन प्रकार का बॉन्ड बना, तीनों प्रकार की बॉन्ड की क्या क्या विशेषता है उसको देखिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े बढ़े बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एक बार फिर से ले लेते हैं क्वेश्चन, या तो समझ गए, जिनको लिखना है वो सब लिखते भी रहेंगे, जिनको लिखना है वो लिखते भी रहेंगे। पहला हुआ कि इलेक्ट्रॉन दो एक अणु के परमाणु एक दूसरे से जिस आकर्षण बल से बंधा रहता है उसे ही केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने फिर बताया कि अक्रिय गैस, कोई भी तत्व तो अपने अक्रिय गैस की वैलेंसी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। यदि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वह परमाणु धनायन कैटायन बदलेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वह परमाणु ऋणायन या एनायन बदलेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो प्लस माइनस आवेश बदल जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा जी, बताएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर से एक बताएंगे। अनुपम जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर से एक बार बता देते हैं, पहले फिर से एक बार ले ले। तो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि धनायन की विशेषता क्या है भाई। धनायन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केटायन। केटायन कौन बनाता है, या धातु बनाता है, धातु सामान्यतः क्या बना लेता है, केटायन बनाता है। ये इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, त्यागता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, त्यागता है। क्लियर, लिखते चलेंगे निशा पटेल जी, सबको लोग लिखेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा रिनायन कौन बनाता है, रिनायन को क्या कहते हैं, एनायन कौन बनाता है, नॉन मेटल अधातु, या क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब धनायन बनेगा तो धनायन परमाणु का आकार मूल परमाणु के तुलना में छोटा हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, धनायन परमाणु का आकार उसके मूल परमाणु के आकार में छोटा हो जाता है, और ऋणायन परमाणु का आकार उसके मूल परमाणु के तुलना में बड़ा हो जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, बड़ी महत्वपूर्ण चीज था यह, ध्यान से सुनिएगा। इसका आकार, धनायन वाले परमाणु का आकार मूल आकार से छोटा हो जाता है, जबकि ऋणायन में क्या होगा, ऋणायन वाले परमाणु का आकार, परमाणु का आकार मूल परमाणु के तुलना में, मूल परमाणु के तुलना में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, आकार छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, आकार बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, आकार बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, आकार छोटा हो गया। यह चीज अब कैसे दिमाग पर जोड़ देंगे, देखते हैं। किसी का जो था, ध्यान से सुनिएगा, किसी का जो था यदि
कोई लेके चल गया तो मुंह बकवा के तरह सुखा जाता है, आकार पतला दुबला पतला हो जाता है, क्लियर। आ लेकिन किसी को नहीं था, आ एगो उसको मिल गया तो देखते हैं उसके चेहरे पर चार्मिंग आ जाता है, एकदम हिस्ट पुष्ट सुंदर काया दिखने लगता है। तो जब सुंदर काया दिखे कोई व्यक्ति तो समझ जाओ उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया है, और जब बकवा की तरह दिखे एकदम, पहले देख रहे थे हिस्ट पुष्ट, अभी देख रहे हैं कि रोगिया रोगी ग्रस्त हो गया, तो समझ जाओ उससे इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन उसे चला गया है। तो अब क्वेश्चन धनायन ऋणायन क्लियर हो गया। अब धनायन ऋणायन के बाद हम लोग जरा सा चर्चा कर ले। पहला बॉन्ड बनता है विद्युत संयोजी बंधन, विद्युत पहला गौर से सुनिए, विद्युत संयोजी बंधन, इसे ही कहते हैं आयनिक बंधन। अंग्रेजी में क्या बताए थे, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। यह कब बना था, पहला विशेषता क्या हुआ, कब बना था, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से यह बॉन्ड बनता है, यह बॉन्ड बनता है, क्लियर हो गया, यह बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से या इलेक्ट्रॉन के त्यागने से यह बॉन्ड बनेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन फिर आ जाए कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने या त्यागने से जो बंधन बना इसकी विशेषता क्या है, सिग्निफिकेंस चले, विशेषता सिग्निफिकेंस, पहला विशेषता क्या होगा, इससे बने यौगिक काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इस बंधन से बने कंपाउंड, बने यौगिक मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों, क्योंकि इसमें दोस्ती नहीं हुआ है, या दे ही दिया या ले ही लिया, दोस्ती होता है वही दरार आती है। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका आज दोस्त है हो सकता है वो उसमें दरार आ जाए उस रिलेशन में, लेकिन त्यागने या ग्रहण करने से जो बॉन्ड बना है उसमें किसी भी प्रकार का कमजोरी नहीं होता, वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। दूसरा पॉइंट बना कि यह यौगिक जब सॉलिड स्टेज में रहता है, यह यौगिक जब सॉलिड स्टेज में रहता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का बैड कंडक्टर होता है, विद्युत धारा का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। लेकिन जब लिक्विड फॉर्म में रहता है, जब द्रव अवस्था में रहता है तो सुचालक हो जाता है, जब द्रव अवस्था में रहता है तो क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। अब क्वेश्चन दिमाग देंगे, यह यौगिक जब ठोस अवस्था में है बैड कंडक्टर, जब सॉलिड अवस्था में है तो क्या होगा, गुड कंडक्टर। उसके बाद क्या बनेगा कि इस यौगिक का गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु को और क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक बिंदु को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही क्या होता है, हाइयर होता है, दोनों ही हाई होता है, उच्च होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा द्रवणांक क्वथनांक क्या है, द्रवणांक को ही गलनांक भी कहते हैं। हमने कहा था कोई ठोस जिस न्यूनतम तापमान पर मेल्ट कर जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, उसे ही गलनांक या द्रवणांक या मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। और जल से याद रखेंगे, जल का मेल्टिंग पॉइंट
जीरो डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा यदि जीरो डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में कितना होगा, रोमर में कितना होगा, कैल्विन में कितना होगा, तो हम लोग को ऑलरेडी इसको जानकारी दे दिए थे, जीरो डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फारेनहाइट या 273 कैल्विन या जीरो और रोमर होता है। जल का मेल्टिंग पॉइंट कितना भाई, जल का द्रव्यमानांक बिंदु गलनांक बिंदु जीरो डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फारेनहाइट या 273 केल्विन या जीरो रोमर होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा क्वथनांक बिंदु किसे कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे, तो जब कोई द्रव जिस तापमान पर वाष्प अवस्था में वेपर स्टेज में बदल जाता है उसे ही क्वथनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो जल का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री और जल का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फारेनहाइट या 373 केल्विन या 80 रोमर होता है। बॉइलिंग पॉइंट जल का 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फारेनहाइट 373 केल्विन या 80 रोमर होता है, जबकि यहां पर मेल्टिंग पॉइंट में क्या बताए, 0 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फारेनहाइट या 273 केल्विन या 0 रोमर होता है। तो दो चीज क्लियर हो गया। अब यहां पर तब बचता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो काहे छूटेगा, हालांकि हम लोग चर्चा इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हिंदी में कहते हैं हिमांक बिंदु, समझने के लिए चूंकि अभी इसका विद्युत संयोजी बंधन का हिमांक बिंदु से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग इसको भी काहे छोड़ेंगे, तो हिमांक बिंदु या जिसे ही अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक मतलब बर्फ, हिम मतलब बर्फ, तो वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर, ध्यान सुनिए, वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर कोई द्रव द्रव अवस्था को छोड़कर सॉलिड अवस्था में बदल जाता है उसे ही क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। और जल एकमात्र यौगिक है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों इक्वल होता है। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फारेनहाइट या 273 केल्विन या जीरो और रोमर होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया अरुण कुमार जी, जय माता दी। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत संयोजी बंधन से जुड़े हुए यौगिक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, सर्वोच्च होता है, तो दो तीन को एग्जाम्पल इसको देख लेंगे, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। NaCl सोडियम का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक, इस पर एक है, इसको एक कम है, क्लोरीन का 17 एक चाहिए, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया किसको, क्लोरीन को, तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज, सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया। क्लियर हो गया। हम लोग कहते हैं पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम का कितना 19, क्लोरीन का कितना 17, तो पोटासियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया, तो इस पर एक, इस पर क्या होगा प्लस। क्वेश्चन कहते हैं MgCl2 मैग्नेशियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, मैग्नेशियम का कितना है 2, क्लोरीन का एक है लेकिन दो गो क्लोरीन है, तो यह क्या किया, दो गो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दो गो क्लोरीन को दे दिया, तो चूंकि एगो एगो क्लोरीन बंटवारा कर लिया, इस पर -2 इस पर +2, तो इस प्रकार से जो बंधन बना यह कैसा बॉन्ड बनेगा, ध्यान सुनिएगा, यह कैसा बॉन्ड बनेगा, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, जिसे ही आयनिक बंधन कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू, 800 लोग देख रहे हैं, जल्दी से दूसरा पॉइंट देखें। दूसरा बताए थे कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक
क्या चीज बाबू? जब दो या, अच्छा बात में लीजिए, ठीक है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, पार्टनरशिपिंग, दोस्ती यारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंधन कहा जाता है। फिर से क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले, जी, दशरथ जी वही थी, बिटिया रानी आई थी। एक्चुअली जितने भी 800 लोग जुड़े हुए हैं, हाँ प्रीशा आई थी अभी, तो यहां पर भी जोगाड़ टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग किया गया है। एक छोटा सा रूम में इतने सारे सेटअप को लाना, तो सारा जोगाड़ टेक्नोलॉजी है। कोचिंग से जो मेन मेन चीज था, मुख्य मुख्य चीज था, कैमरा, डेस्कटॉप, कंप्यूटर का पूरा सेट, और ये चीज, इन्वर्टर घर पे था, लेकिन इसके लिए कोचिंग से पर्सनल एक इन्वर्टर लाया, चूंकि मेरे एरिया में अभी लाइट भी काफी कट रही है। कोचिंग में जो नेट था उसको घर पे लाए, कल वही लोग भर दिन लगातार रहते गए। तो सारे जुगाड़ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता हुआ, यदि चूंकि कैमरा फिक्स्ड है, नहीं तो आप लोग को रूम का दर्शन कराते कि किस तरह से हम लोग बिहारी हैं और किस तरह से उपयोग कर लेते हैं एक से एक चीज को। कैमरा अभी टंगा हुआ है, किस तरह वो यदि ग्रामीण चीज दिख रहा है कि गांव सब में पहले फूस का घर होता था, तो फूस के घर में दू गो कांटी ठोक कर उस पर, कांटी पर एक तख्ता रख दिया जाता था रस्सी बांध कर, आ तख्ता पर कोई सामान, किताब, कॉपी कुछ रखा जाता था। ठीक उसी तरह से, उसी का थोड़ा सा मॉडर्न चीज बना करके कैमरा रखा गया है। इसके पीछे खिड़की है, खिड़की में बांध कर इसको हैंग किया गया, क्योंकि यह अस्थाई है, जैसे इंस्टीट्यूट खुलेगी तो फिर यह वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जोगा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया यहाँ पर भी, और मेरा उम्मीद रहता है कि कुछ अच्छा करें, आप लोग को कुछ अच्छा महसूस हो, अनुभव हो। इसीलिए, क्योंकि हम दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो क्या हो रहा है? साझेदारी हो रहा है। यदि हम बिल्कुल आप लोग को दे दे, आप लोग उसको ग्रहण कर लेंगे, तो आप लोग में कौन सा बॉन्ड बनता? आयनिक बंधन। लेकिन यहां पर कैसा है? सहसंयोजी बंधन बन रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सहसंयोजी बंधन में क्या हुआ? दो या दो से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बन रहा है। अब हमने कहा कि जब अलग अलग परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणु के बीच साझेदारी होता है, तो जब अलग अलग होगा पोलर, और जब सेम सेम होगा, तो जब सेम सेम होगा तो नॉन पोलर। क्लियर हो गया? जब सेम सेम परमाणु के बीच, समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा, तो समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को नॉन पोलर कहेंगे, अलग अलग परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो अलग अलग परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कैसा बॉन्ड बनेगा? पोलर बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया? फिर से सुन ले, समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंधन क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। अलग अलग के बीच, अलग अलग परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंधन को क्या कहेंगे? पोलर बॉन्ड कहेंगे। आशा विश्वास करते हैं कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
पूरा का पूरा क्लियर हो गया। निशा कुमार जी, दशरथ कुमार जी, विपिन बिहारी जी, इंस्पेक्टर शशि जी, गौतम कुमार जी, ज्योति भार्गव जी, अतुल कुमार जी, अमरजीत कुमार जी, सब लोग क्लियर है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हम लोग को समझने में और भी आसानी हो जाएगा। क्लियर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सामान के बीच लिए थे ओ टू, अब ओ टू में ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में छ, तो क्या किया, दो गो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया। एन टू करते हैं तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पांच, तीन गो चाहिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन गया। हम लोग कहते हैं क्लोरीन सी एल टू, क्लोरीन को चाहिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर एक और विशेषता, पहले यह समझ गए तो पोलर भी समझ जाइए, या क्या हुआ, या नॉन पोलर हुआ, लेकिन पोलर में चलते हैं। पोलर बॉन्ड में क्या बताए थे, सी एच फोर, अलग अलग परमाणु है, सी एच फोर कहते हैं, एच टू ओ कहते हैं, सी टू एच फोर सी टू एच फोर इथेन कहते हैं एसिटिलीन सी टू एच टू। ध्यान से अभी सुनिएगा, अलग अलग के बीच हुआ, अलग अलग के बीच हुआ तो क्या हो गया, पोलर, आ समान के बीच हुआ तो क्या हो गया, नॉन पोलर। बहुत एग्जाम्पल आएगा, जैसे हम लोग कहते हैं सी सिक्स एच सिक्स, या क्या बना, बेंजीन बन गया। उसके बाद चले सी सिक्स एच सिक्स सी एल सिक्स, इसे क्या कहते हैं, गैमेक्सीन, क्या कहते हैं, गैमेक्सीन, या क्या बना, बेंजीन, यह क्या बना, एसिटिलीन, यह क्या बना, इथिलीन। क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, जितने भी, यदि सब लोग ध्यान से सुनिएगा, यदि एक जोड़ा वन पेयर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, तो वहां सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बंधन बनता है। यदि दो जोड़ा हुआ, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, पार्टनरशिप ही हुआ, तो उसे वहां डबल बॉन्ड बनता है। लेकिन यदि तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, तो वहां ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा प्रियंका जी, बड़ी महत्वपूर्ण समझने वाला चीज है यहां पर। जब एक जोड़ा होगा तो क्या होगा, जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड, जब दो जोड़ा होगा तो डबल बॉन्ड, और जब तीन जोड़ा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पोलर बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पाया जाता है, सिग्मा और पाई पाया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन बना कि जहां पर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन जब डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा था ही
एक पाई बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एवं दो पाई बॉन्ड बना। क्लियर हो गया। अब तीसरा आपको काउंट करने के लिए, इतना है समझ में, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा की पाई तो कहेंगे पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा तो एक ही रह जाता है, पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ जाती है, तो एक सिग्मा दो पाई। अब आपसे मैं क्वेश्चन करूं आप लोगों से, जितने भी 800 लोग लगभग देख रहे हैं तो अभी भी बोल रहे हैं, जितने लोग लाइक नहीं किए होंगे वो लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए हाइड्रोजन है। विपिन बिहारी जी सर लिख लिए। अब क्वेश्चन बना, मीथेन है यह सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन। मीथेन में पूछेगा कितना सिग्मा, कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है, जल्दी से कोई बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, मीथेन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, जल्दी से कोई बताएंगे। मीथेन में बिल्कुल सही है, चूंकि यहां पर केवल सिंगल बॉन्ड है, तो हमने अभी चर्चा किया सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता है, तो यहां पर एक सिग्मा, यहां पर सिग्मा, यहां पर सिग्मा, यहां पर सिग्मा, तो कितना, तो चार सिग्मा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड एक भी नहीं है। क्लियर हो गया, पाई बॉन्ड एक भी नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा, HCl में कितने सिग्मा कितने पाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कितने सिग्मा कितने पाई, जल्दी से कोई बताए, गोविंदा गोविंद जी, पीयूष जी, कितने सिग्मा कितने पाई, इसमें चूंकि सिंगल बॉन्ड है एक, तो एक क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड। अब क्वेश्चन पूछेगा, इसे क्या कहते हैं, जल यौगिक है, अब इसमें कितने सिग्मा कितने पाए, जल में कितने सिग्मा कितने पाए, जल्दी से को बताएंगे, जल में कितने सिग्मा कितने पाए, तो क्या कहेंगे, सिंगल सिंगल इधर ही है तो क्या कहेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब ले लें, क्वेश्चन पूछेगा, O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कितने सिग्मा कितने पाई, तो क्या कहेंगे, इसमें एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। क्लियर हो रहा है, एक सिग्मा और एक पाई। लेकिन क्वेश्चन पूछता नाइट्रोजन में कितने सिग्मा कितने पाई, तो क्या कहते, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन आएगा तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनेगा, जल्दी से कोई बताएं, समझ में आ रही है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड नाइट्रोजन में बनेगा। अब क्वेश्चन दे, आगे बढ़े, क्वेश्चन पूछेगा, C2H2 जिसे एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एसिटिलीन में क्वेश्चन पूछता है, एसिटिलीन का प्रयोग कृत्रिम विधि से फल को पकाने के लिए किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग कृत्रिम विधि से फल को पकाने के लिए किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग गैस वेल्डिंग में भी किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, कैल्शियम कार्बाइड C2H2 पर, कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो एसिटिलीन गैस की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन पूछेगा, फल को पकाने के लिए एसिटिलीन, लेकिन फल को पकने में, फल को पकने में कौन सा गैस, तो फल को पकने में
इथिलीन जब प्राकृतिक रूप से होगा, इथिलीन जो एक प्लांट गैसियस हार्मोन है, और जब कृत्रिम विधि से होगा तो एसिटिलीन जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन, अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं किया लेकिन आपका उत्तर आ रहा है, एकदम धड़ल्ले से आ रहा है। आपका उत्तर को हम गलत भी पहले पहले कंपाउंड कंबाइंड में ले ले, ध्यान सुनिएगा। डायरेक्ट पूछेगा एसिटिलीन में कितने सिग्मा, कितने सिग्मा एवं कितने पाई बॉन्ड है। इसको काउंट करने के लिए कहेंगे यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां पाई, यहां पाई, तो क्या कहेंगे? 3 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर हो गया? 3 सिग्मा और 2 पाई। लेकिन अब बहुत लोग 4 सिग्मा 1 पाई लिख रहे हैं, गलत है, यही कंसेप्ट लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि एसिड, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछ दे कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सिग्मा कितने पाई, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सिग्मा कितने पाई, तो अब इसमें हो जाएगा 1 सिग्मा और 2 पाई। इस कार्बन कार्बन के बीच 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? कार्बन कार्बन के बीच 1 सिग्मा और 2 पाई एसिटिलीन कंपाउंड पूरा कंप्लीट आएगा तो कितना सिग्मा? 3 सिग्मा और 2 पाई। अनुपम जी बिल्कुल सही है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 1 सिग्मा और 2 पाई। पप्पू जी, अवधेश जी, चलिए प्रिंस जी, आपका मैसेज, बड़ी अंशु जी, चलिए सभी लोग, कृष्णा की जी, जितना भी इनका है, रिमझिम संतोष, सब लोग सही है। अब क्वेश्चन पूछे, ध्यान से सुनना, बेंजीन आएगा, बेंजीन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक दूसरे से एकांतर होता है। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक दूसरे से क्या होता है? एकांतर होता है। एक सिंगल, फिर एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल। अब क्वेश्चन पूछ दे कि बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई। प्रियंका जी बिल्कुल सही है, कितने सिग्मा कितने पाई, जल्दी से, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, जल्दी से बताएंगे कितने सिग्मा कितने पाई। तो हम लोग गिनेंगे पहले, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात, 12 सिग्मा 3 पाई, जिनको 12 3 उत्तर है बिल्कुल सही है, 12 t 12 s और 3 p, 12 3 वाले बिल्कुल ही सही है। काउंट कर लेते हैं, यहां पर सिग्मा, यहां पर सिग्मा, चूंकि डबल है तो 1 सिग्मा तो कंफर्म है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो कितना हो जाएगा? 12। और जब डबल है तो डबल में क्या बताए थे? 1 सिग्मा 1 पाई, 1 पाई यहां भी, 1 पाई यहां भी, तो कितना पाई? 3 पाई है। हो गया क्लियर? लेकिन घुमा दे क्वेश्चन, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, घुमा दे क्वेश्चन, गैमेक्सिन लेते हैं, गैमेक्सिन लेते हैं, जिसका फॉर्मूला अभी बता दिए थे, गैमेक्सिन या क्या है? गैमेक्सिन है, गैमेक्सिन, गैमेक्सिन में कितने सिग्मा कितने पाई, जल्दी से कोई बताएंगे? अभी तक आपका उत्तर नहीं आया है, वकील कुमार जी जल्दी से बताइए, रिमझिम कुमारी जी बहुत अच्छी बात, पहला उत्तर रिमझिम का आ गया है सही, सिकंदर कुमार जी, प्रियंका जी भी आपने बिल्कुल सही बताया, सभी लोग जितने भी, अंशुमान ठाकुर जी, दिव्य ज्योति जी बिल्कुल सही है, मौर्या जी बिल्कुल सही है, कुंदन जी, जितने भी लोग ने मार रहा है,
18 सिग्मा, वो बिल्कुल ही सही है। कितना सिग्मा? 18 सिग्मा, बिल्कुल ही आपका सही होगा। क्यों भाई? क्योंकि सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो हमने कहा था जहां सिंगल होगा वहां केवल एक सिग्मा होगा, डबल होगा तो सिग्मा एक रहेगा, पाई एक आ जाएगा, ट्रिपल होगा तो सिग्मा तो एक ही रहेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर देखिए, दो दो चार, दो छ, दो आठ, दो दस, दो बारह, 13, 14, 15, 16, 17 एवं 18, मतलब गैमेक्सिन में 18 क्या होगा? केवल सिग्मा बाउंड होगा। आशा विश्वास से बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछेगा, सहसंयोजी बंधन की विशेषता, कोवेलेंट बॉन्ड की विशेषता। विशेषता नंबर पहला क्या होगा? इस प्रकार के बंधन वहां पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता के बीच का अंतर कम होता है। विद्युत ऋणात्मकता के बीच का अंतर क्या होता है? कम होता है। दूसरा, यह वहां बताए थे ठोस या द्रव, लेकिन इससे बने यौगिक इस बंधन से बने यौगिक ठोस या द्रव या गैस तीनों अवस्था में रहता है। जैसे ठोस में ग्लूकोज, द्रव में पानी और गैस में एसिटिलीन, मतलब तीनों ही अवस्था में रहता है। वहां पर बताए थे क्वथनांक और गलनांक में अंतर उच्च होता है, यहाँ क्वथनांक और गलनांक में क्या होता है? निम्न होता है। तीसरा पॉइंट बना इसका लो पॉइंट, इसका क्या होगा? वहां बताए थे मेल्टिंग पॉइंट एमपी और बॉइलिंग पॉइंट वहां था उच्च, यहां क्या होगा? निम्न होता है। क्लियर हो गया। अब तीसरा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बिल्कुल क्लियर हो गया। तीसरा बॉन्ड बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सह संयोजी बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने कहा साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, लेकिन साझेदारी में हिस्सा लेने वाला इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु का रहता है, और इसे दर्शाया किसमें जाता है? इसे एरो में दर्शाया जाता है। किसमें दिखा दर्शाया गया? एरो में दर्शाया गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले ले, NH4+Cl H2SO4 H2O2। क्लियर हो गया? H2O2, ये सब में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा बॉन्ड बना? तो सहसंयोजी बंधन बनता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन पूछेगा नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड H2N2H4, नाइट्रोजन परऑक्साइड क्वेश्चन पूछेगा, ओ सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इस सब में कैसा बॉन्ड बना? तो उप सह संयोजी बंधन बनता है। क्लियर हो गया? तो ये था केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित प्रमुख तथ्य। अब जो हम लोग का टॉपिक होगा, ध्यान से सुनिएगा,
अब जो टॉपिक होगा वह टॉपिक किससे संबंधित होगा, तो वह टॉपिक होगा कि जी HNO3B इसका एग्जाम्पल। दशरथ जी बिल्कुल सही है क्वेश्चन। अब अगला टॉपिक के लिए जानकारी ले, केमिकल बॉन्डिंग क्लियर है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद अगला टॉपिक रेडियो एक्टिविटी, बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी धांसू टॉपिक है और प्रत्येक एग्जाम में ग्रहण एक दो क्वेश्चन इससे ग्रहण किया जा सकता है। तो कल का टॉपिक रहेगा रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक रहेगा, कल का टॉपिक क्या होगा रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक रहेगा। और दूसरा आज शाम से जो क्लास का शेड्यूल है आधा घंटा पहले आ गया है, 5:30 बजे से 7 बजे तक क्लास का शेड्यूल होगा पॉलिटी का। और आप लोग आज पहली बार एप्लीकेशन पे जिस तरह से कल से स्टार्ट होगा, तो शाम के 7 बजे आपके मोबाइल में एप्लीकेशन पे कौटिल्या GS के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन चला जाएगा। आप बना करके तैयार रहना और 7:30 बजे से हम लोग उसका लाइव डिस्कशन एप्लीकेशन पे करेंगे। क्लियर? आज आज का लाइव डिस्कशन यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा, फेसबुक में भी रहेगा, कौटिल्या GS टीचिंग सेंटर का फेसबुक पेज भी है। जो लोग उस पेज को अभी तक नहीं फॉलो किए हैं उस पेज पर भी उन लोगों को कह देंगे। फेसबुक पेज पर भी लाइव क्लास एक साथ चल रही है, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और एप्लीकेशन। अब वो टेक्निक आ चुका है कि पांच पांच जगह या लाइव क्लास पांच एप्लीकेशन पे एक साथ कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। क्लियर? तो शाम में 5:30 बजे और आज ही आपको वह विशेष लाभ ले पाएंगे 300 के बदले 151 रुपया में। आज तक ऑफर है, फिर हम लोग मिलते हैं शाम के 5:30 बजे इंडियन पॉलिटी के साथ। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लोग लाइक भी कर देंगे। इसी के साथ मॉर्निंग शिफ्ट को लेते हैं विराम और फिर शाम में चलते हैं इवनिंग शिफ्ट में इंडियन पॉलिटी और टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन। आज का जो टेस्ट होगा वो ओपन होगा, लेकिन कल से ओपन नहीं होगा, कल से केवल कौटिल्या GS के ऐप पर ही वो टेस्ट चलेगा। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ लेते हैं सुबह के शिफ्ट में विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्या, जय बिहार, जय मिथिला। धन्यवाद बाबू लोग।